आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, आज हम अपनी पुरानी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि शुगर को कैसे कुदरती तौर पर होम्योपैथी और आयुर्वेदा से हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे पौधे अवेलेबल हैं जिनकी रिसर्च हो चुकी है कि वो शुगर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, पर आप तक ये रिसर्च आज तक पहुँचने ही नहीं दी गई है। और उस रिसर्च ना पहुँचने की वजह से, जब उस पौधे के बारे में पूरी जानकारी ना होने की वजह से कि उसको कैसे लेना है, कैसे खाना है, आप एक महीना तो लेते हैं, या आपके साथ क्या होता है कि एक महीना तो वो शुगर को कंट्रोल करती है, कोई भी आप देसी दवाई पौधे की खाते हो, पाउडर खाते हो, पीते हो, उसके बाद वो काम करना छोड़ देती है। और आपको यही बता दिया जाता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये तो किसी काम का नहीं है, कुदरती सिस्टम, आप इसको छोड़ो, गोली खाओ। और आपने देखा भी है कि गोली खाने वालों के साथ होता क्या है, 50-60 की उम्र में उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, टांगों के ऊपर बड़े बड़े कमर के पीछे जख्म बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके टांगे या पैर है वो कटवाना तक पड़ जाता है, क्योंकि उन टांगों के जो जख्म ना ठीक होने के पीछे भी कारण गोली ही है। गोली एक तरह का फैक्टर छोड़ती है जिसको हम IGF बोल देते हैं, जो डॉक्टर आपको नहीं बताता है। जितना आप गोली खाओगे उससे जितना इंसुलिन छूटेगा उतना ही IGF छूटेगा, और जितना आपके अंदर IGF छूटेगा उतने ही आपके हाथ पैर खराब होते जाएंगे। तो आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए इस वीडियो को पूरा जानने के लिए कि आज हम कौन से पौधे की बात कर रहे हैं और शुगर का इलाज कैसे करेंगे हम, और कैसे परमानेंट शुगर को जड़ से हम ठीक कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर के बटन को दबा दिए, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा के बारे में, जिसको हम हिंदी भाषा में गुड़मार के नाम से जानते हैं। इस पौधे का नाम गुड़मार है, जो शुगर की दवाएं पर रिसर्च पूरी आप तक ना पहुंचने पे, ये NCBI जो US लाइब्रेरी की रिसर्च है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कोई आम रिसर्च नहीं, आप तक पहुंचने नहीं दी गई है। आप सोचते हो कि शुगर का इलाज गोली है। अब इसके पौधे से, जो हम अपने चैनल में पीछे भी ऐसे पौधे ला रहे हैं जो शुगर का इलाज कर सकती हैं, आपको पहले तो यही नहीं पता कि ये पौधा कौन सी डायबिटीज़ में काम करता है। तो सबसे ज़्यादा ये बढ़िया डायबिटीज़ type 1 में काम करता है, जिनको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, हर रोज़ इंसुलिन लगवाना पड़ता है। तो जब तक आपको सच की पूरी जानकारी नहीं होगी, कोई भी खाने लग जाएगा तो उसको फ़ायदा कैसे होगा। तो सबसे बढ़िया फ़ायदा type 1 में है, जिनको इंजेक्शन लगता है, उनकी हालत ऐसे होगी है कि डॉक्टर ने अब बोल दिया है अब तो आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इंसुलिन का, फिर ही शुगर ठीक होगी। तो ये पौधा उनके लिए सबसे बढ़िया काम करता है। डायबिटीज type 2 है, जो नॉर्मल गोली जिनको खा रहे हैं उनको भी शुरू हो रखी है, शुगर बढ़ रही है, गोली से भी कंट्रोल नहीं लेती, जहाँ 5-10 साल हो गया गोली खाते हुए, इंसुलिन की अभी नहीं ज़रूरत है, तो वो भी इसको ले सकते हैं, नुकसान इसका कोई नहीं है, उनके अंदर भी ये काम करेगा। इसलिए type 1 में ये सबसे बढ़िया काम करेगा, type 2 के अंदर भी काम ये करेगा, उनकी शुगर को ये ठीक करेगा। हमारी और बहुत सारी वीडियोस हैं, वो भी देख सकते हैं। और उनको ये इंसुलिन के इंजेक्शन लगने से ये बचाएगा, और पैरों के हाथ पैर जो जख्म बन जाते हैं उनको ठीक करेगा। अब ये 4 तरीके से ये काम करता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है, फिर ही आप समझोगे। एक तो ये इंसुलिन को डायरेक्ट है बढ़ाना शुरू करता है कुदरती तौर पर। गोली क्या करती है, जो आप गोली खाते हो वो आपके पैनक्रियाज में जाती है, एक पेट के अंदर एक हिस्सा है, पैनक्रियाज के अंदर एक बीटा सेल्स, एक कंपार्टमेंट है, एक कमरा बना हुआ है, तो गोली वहाँ पे घुसती है, वहाँ से इंसुलिन को निकालना धक्के से शुरू करती है। तो ये गुड़मार के अंदर पावर है ये कुदरती तौर पर। अब क्या होता है, इंसुलिन आपके अंदर कम क्यों हुआ है, कम इसलिए हो गया है क्योंकि जिन बंदों ने इंसुलिन बनाना है, जिनका नाम बीटा सेल्स है, उन बंदों में से कुछ बंदों की मौत हो गई है, वो मर गए हैं, या 100 में से 60 बंदे बीमार पड़े हैं। अब गोली से क्या होगा, वो 60 बंदों से भी काम करवाएगी जो बीमार पड़े हैं, उनको क्या ज़रूरत है, उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उनको मेडिसिन की उन बंदों को ज़रूरत है, ताकि वो हेल्थी हो सकें और पूरा इंसुलिन बना सकें, अपनी पूरी उस फैक्ट्री के जो वर्कर है पावर में आ सकें। गोली के साथ दिक्कत क्या है, ये उन बीमार बंदों के ऊपर भी प्रेशर डाल देती है, बीटा सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से सारे बीटा सेल है वो बंदे है डैमेज हो जाते हैं, और इंसुलिन बंद हो जाता है बॉडी में बनना, और बाहर से इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो गुड़मार के अंदर ये पावर है कि वो बीटा सेल को रीजनरेशन कर सके। जो बने हुए बंदे हैं उनको तो चलो ठीक है, जो बीमार पड़े हैं
उनको ये रिपेयर कर सकती है। और वही बंदे आपका 60 बंदे अगर पूरे फिट हो गए तो वो 100 बंदों का काम कर देंगे 60 भी। तो ये है इसके अंदर। HbA1c को बहुत बढ़िया ये कंट्रोल करता है, उसको कम करके रखता है, अंदर शुगर के डैमेज को बचाता है जो शुगर की गोली नहीं बचाती है। शुगर की गोली लेने के बाद भी HbA1c बढ़ता जाता है। तो HbA1c का मतलब होता है कि शुगर शरीर के अंदर कितना नुकसान पहुंचा रही है, तो ये अंदर के नुकसान को भी गुड़मार रोकता है। IGF है जो मेन कारण है डायबिटिक फुट और अल्सर बनने का, जिससे टांगे हैं वो जो कटवानी पड़ जाती है। गुड़मार एक ऐसा पौधा है जो IGF को नहीं छोड़ता है। इंसुलिन को रिपेयर करता है ये सीधा, और रिपेयर होने के बाद जो बीटा सेल्स हैं, जो बंदे अपने आप ही इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं, जो 40 बंदे मर गए उनका भी ये वर्कलोड उठा सकते हैं क्योंकि ये हेल्थी हो चुके हैं। अब तो ये ऐसे काम करता है। हाँ, अब क्या होता है, कईयों को गुड़मार एक महीना हो गया लेते हुए, उनको कोई असर नहीं हुआ, जो उनको 100 में से 30% रिलीफ मिला है, उनको पूरा क्यों नहीं मिला है, उनको कुछ अपनी जाँच करवाने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड उनको कम करने की ज़रूरत है, लिपिड उनको कम करने की ज़रूरत है। जब तक ये बड़े रहेंगे तब तक ये गुड़मार अपना पूरा काम नहीं दिखाना पाएगा। डॉक्टर से अपना इन चीज़ों का आयुर्वेद और होम्योपैथी से इलाज लें, क्योंकि इंग्लिश के अंदर अगर ये गोलियां लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कार्ब्स आप ज़्यादा ले रहे हैं, आप मीठा ही ज़्यादा खा रहे हैं, तो गुड़मार कहाँ तक काम करेगा। जैसे आपको पता ही नहीं है, आलू के अंदर कार्ब होते हैं, गाजर के अंदर कार्ब्स होते हैं, चावल के अंदर कार्ब्स होते हैं। एक आलू आपने मीडियम साइज़ का खा लिया, मतलब 3-4 चम्मच आप चीनी खा गए, आपको ऐसी जानकारी होनी चाहिए। तो सब्जियों के अंदर, हरी जो सब्जियाँ उनके अंदर कार्ब्स नहीं है, जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, कद्दू है, टिंडा है, तोरी है, लौकी है, तो ये इन सब्जियों में कार्ब नहीं है। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, सलाद खाइए आप। लीवर जिनका फैटी है, साइज बढ़ गया, तो उनको जब तक ये लीवर का होम्योपैथी या आयुर्वेद इलाज नहीं लेंगे तब तक ये पूरा असर नहीं दिखाएगा। ओबेसिटी है, वो मोटे हैं, इसका कोई इलाज कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं गुड़मार काम कर जाए, तो भाई नहीं करेगा, आपको वेट नॉर्मल अपना लाना पड़ेगा। इन्फेक्शन ब्लड में चल रही है, कोई ना कोई असर बढ़ा है, तब भी वो ठीक करना पड़ेगा। उन हालातों में गुड़मार कम काम करता है। तो ये गुड़मार के साथ नहीं है, आपकी अगर टैबलेट भी चल रही है शुगर की, तो वो भी अगर 100% काम करती है, वो 40% ही काम करेगी अगर ये बीमारियां पड़ी हैं। तो इनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं कि लेना कैसे है। गुड़मार के जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं जिमनेमा के, वो आप ले सकते हैं, वो सबसे बढ़िया काम करते हैं। पत्तों को पाउडर कीजिए, एक चम्मच पाउडर है वो 3 बार दिन में लेना है अपने गुड़मार का। उसको लेना कैसे है, एक चम्मच पाउडर को 2 कप पानी के साथ उबाल देना है, और जब वो 1 कप पानी रह जाए उसको पी लेना है, और तो दिन में 3 बार ऐसे करना है। और इसकी अगर पाउडर की आप गोली बना सको, तो उस गोली का डोज है, जो वेट है वो 250 मिलीग्राम तक होगा, और 3 बार दिन में ले सकते हैं गोली बनाकर इसकी घर पे। कोशिश कीजिए ताकि इसकी जो गोली है उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव ना डाला हो, जैसे कोई ना कोई केमिकल ना डाला हो, कि जैसे कंपनीज क्या करती हैं उसके अंदर केमिकल डाल देती हैं कि चाहे 15 साल ये गोली टेबल पे पड़ी रहे ये गोली ख़राब नहीं होगी, जैसे कि इंग्लिश मेडिसिन वाले करते हैं, तो वो नुकसान पहुंचा देती है, वो पॉइजन का काम करता है प्रिजर्वेटिव। ऐसे नहीं, नेचुरल तैयार कीजिए। और इसका मीथेनॉल का एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाए वो भी बहुत बढ़िया काम करता है, इथेनॉल का एक्सट्रैक्ट मिल जाए वो भी बहुत बढ़िया काम करता है, वो भी आप ले सकते हो। इथेनॉल का एक्सट्रैक्ट और मीथेनॉल के एक्सट्रैक्ट के साथ क्या दिक्कत है, कंपनी बहुत ज़्यादा इसके अंदर अल्कोहल डाल देती है, जो आपका लीवर डैमेज कर सकता है। अगर आपको पता है कि उसके अंदर आप कुछ वाटर भी ऐड है, एक्वस एक्सट्रैक्ट उसके अंदर ऐड है, तो आप उसको ले सकते हो, सेफ रहेंगे। अगर कोई आपको एक्वस एक्सट्रैक्ट इसका मिल जाता है, वो सबसे बढ़िया सेफ तरीका है। कम इथाइल और मिथाइल अल्कोहल वाला एक्सट्रैक्ट मिल जाए तो आपको इन चक्कर में ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 20-20 बूंद डाले पी लें। क्योंकि इथाइल अल्कोहल, क्योंकि शुगर वाले की आदत क्या है, वो जगह जगह से दवाइयाँ सुनकर खाता है, होम्योपैथी आयुर्वेदिक भी, तो ऐसा नुकसान कर सकता है इतना ज़्यादा अल्कोहल लेना। तो एक्वस एक्सट्रैक्ट ढूंढे, पानी के अंदर तैयार की हुई दवाई ढूंढे, उसकी 20-20 बूंदें लें, तो आपकी शुगर पक्का ठीक होगी। मुझे लगता है काफ़ी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे कि गुड़मार को कैसे लेना है, ये काम क्यों नहीं किया, और किन बीमारियों के आपको इलाज की ज़रूरत है कुदरती तौर पर ठीक होने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपकी शुगर जड़ से ख़त्म होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए,
आगे भी आने वाले समय में मैं और आपके लिए पौधे ढूंढकर लाता रहूंगा, उनकी रिसर्च भी लाता रहूंगा और रिसर्च का लिंक भी आपको देता रहूंगा कि कहाँ से रिसर्च मिलती है और कहाँ से हम पढ़ते हैं, तो सारी आपको डिटेल देते रहेंगे ताकि आप लोगों को आगे भी जाकर जागरूक कर सको। तो कुदरत के पास सारी पावर है बीमारी को ठीक करने की, तो ऐसे आप सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। शुगर के बारे में कोई क्वेश्चन है, किसी के हाथ पैरों के ऊपर जख्म है, कोई ठीक नहीं होने वाला, तो उनके ऊपर मेरी वीडियोज़ भी है, वो सारी देख सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबाकर साथ में बेल का बटन है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियोज़ पहुँचती रहें। वीडियो देखने के लिए